अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास कंप्यूटर साइंस, पेज नंबर 7। डिटरमाइनिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर अ फ्लो चार्ट। एक फ्लो चार्ट के लिए रिक्वायरमेंट्स को डिटरमाइन, रिक्वायरमेंट्स कहते हैं ज़रूरियात को। डिटरमाइन करना, कोई चीज़ जानना, इससे मुराद ये होता है। इन अ फ्लो चार्ट वी यूज़ इनपुट, आउटपुट, डिसीजन मेकिंग एंड प्रोसेसिंग। फ्लो चार्ट के अंदर हम इनपुट को इस्तेमाल करते हैं, आउटपुट को इस्तेमाल करते हैं, डिसीजन मेकिंग को इस्तेमाल करते हैं और प्रोसेसिंग को इस्तेमाल करते हैं। इन चार चीज़ों का हम फ्लो चार्ट के अंदर इस्तेमाल करते हैं। दीज कंसेप्ट्स आर डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग। इन कंसेप्ट्स को डिस्क्राइब किया गया, इन कंसेप्ट्स की वजाहत की गई है। इनपुट मीन्स टेकिंग डाटा फ्रॉम अ यूज़र। इनपुट से मुराद है यूज़र से डाटा लेना, प्रोसेसिंग इट एंड गिव सम आउटपुट एज शोन इन फिगर 1.7। इनपुट से मुराद है यूज़र से डाटा लेना, डाटा लेने के बाद उसके ऊपर प्रोसेसिंग करना, प्रोसेसिंग करने के बाद कोई ना कोई आउटपुट देना, जैसे कि फिगर 1.7 में दिखाया गया। ये आप फिगर दे सकते हैं, ये यूज़र से इनपुट ली जा रही है। इनपुट लेने के बाद इस स्टेप के अंदर उसकी प्रोसेसिंग हुई है और नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसकी आउटपुट को डिस्प्ले किया गया। फॉर अ फ्लो चार्ट द रिक्वायरमेंट्स आर टू नो अबाउट। फ्लो चार्ट के लिए अब हम ज़रूरियात जानने लगे कि एक फ्लो चार्ट के लिए जो ज़रूरियात है वो क्या क्या है। इनपुट्स, इनपुट मीन्स टेकिंग डाटा फ्रॉम द यूज़र। इनपुट से मुराद है यूज़र से डाटा लेना। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो हाउ मैनी एंड वट टाइप ऑफ इनपुट्स आर रिक्वायर्ड। ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि हमें कितनी इनपुट चाहिए और किस टाइप के इनपुट चाहिए। इनपुट की मुख्तलिफ किस्में होती हैं, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आप अपना नेम एंटर करें तो नेम होगा अल्फ़ाबेट्स में ABCD, तो ये क्या अल्फ़ाबेटिक डाटा है, अल्फ़ाबेटिक इनपुट हो जाएगी। अगर मैं कहूँ कि फ़ोन नंबर एंटर करें तो सिर्फ नंबर्स ऐड होंगे 0, 1, 2, 3, 8, 9, इस तरह का नंबर ऐड होगा, तो वो जो नंबर ऐड होगा ये होगा न्यूमेरिक डाटा, तो वो न्यूमेरिक इनपुट कहलाएगी। तो ये जानना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम कौन से टाइप के इनपुट इस्तेमाल कर रहे हैं और कितनी इनपुट हमने इस्तेमाल करनी है। प्रोसेसिंग, अ फ्लो चार्ट आल्सो कंटेन्स प्रोसेसिंग स्टेप्स। एक जो फ्लो चार्ट है इसके अंदर प्रोसेसिंग स्टेप्स भी होते हैं। द प्रोसेसिंग स्टेप्स आर यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस एंड स्टोरिंग द रिजल्ट्स ऑफ कैलकुलेशंस। दो जो प्रोसेसिंग स्टेप्स हैं ये इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि हम कैलकुलेशंस को परफॉर्म करें और उनके रिजल्ट्स को भी स्टोर करें। दीज में इंक्लूड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अ वैल्यू। इनके अंदर ये वाली चीज़ें शामिल हो सकती हैं, इंक्रीजिंग अ वैल्यू, डिक्रीजिंग अ वैल्यू। इंक्रीजिंग अ वैल्यू की मिसाल ये होगी, जैसे कि आजकल वायरस आया हुआ है, इस वायरस की वजह से डेथ्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो इस वजह से डेथ का जो रेट है वो इंक्रीज़ हो रहा है आजकल। तो डिक्रीजिंग अ वैल्यू हम इस तरह से लेंगे, जो आजकल बिजनेस हो रहा है, बिजनेस आजकल बहुत लो जा रहा है, तो डिक्रीजिंग अ वैल्यू बिजनेस को हम इस तरह से लेंगे, बिजनेस इज डिक्रीजिंग अ वैल्यू। एडिंग, मल्टीप्लाइंग, डिवाइडिंग टू वैल्यूज़, दो वैल्यूज़ को ऐड करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना, ये तमाम के तमाम चीज़ें प्रोसेसिंग के अंदर आ जाएंगी। डिसीजन मेकिंग, टू डिटरमाइन वेदर अ स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ये जानना कि क्या स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, एंड टेकिंग अप्रोप्रिएट स्टेप्स अकॉर्डिंगली, और उसके मुताबिक ही फर्दर स्टेप लेना, इस कॉल्ड डिसीजन मेकिंग, इसे डिसीजन मेकिंग कहते हैं। इसकी मिसाल कुछ इस तरह से होगी, जैसे मैंने यहाँ पर ये दो लेबल लिए हैं, एंटर नेम, ये भी एक लेबल है, और इसके आगे ये टेक्स्ट बॉक्स लिया है, इसको मैंने ट्रू किया, अब मैंने यहाँ पे किया एंटर नेम। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ अली, इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर मैंने डिसीजन मेकिंग लगाई हुई है। अब अली, अब नाम एंटर करना है तो अली एक नाम है, तो ये डिसीजन मेकिंग के तहत ये ट्रू हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पर लिखा हुआ एंटर नेम, इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैं लिख देता हूँ 3, 2, 1, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू डिसीजन मेकिंग, नाम के आगे नाम ही आएगा, कोई नंबर, कोई डिजिट नहीं आएगा, तो ये इस लिहाज से यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा, तो इसे हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट है आउटपुट्स। आउटपुट्स आर यूज्ड टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए आउटपुट्स को इस्तेमाल करते हैं, एंड यूजुअली दिस इंफॉर्मेशन एग्जिबिट्स द प्रोसेस्ड रिजल्ट्स। और आमतौर पर ये जो इंफॉर्मेशन होती है ये प्रोसेस्ड रिजल्ट को एग्जिबिट करती है, एग्जिबिट से मुराद शो करती है।
द डाटा आफ्टर प्रोसेसिंग वी गेट इज कॉल्ड आउटपुट. इसे मुराद ये है कि वो डाटा जो हमें प्रोसेसिंग के बाद मिलता है उसे हम आउटपुट कहते हैं. ये हमारा आज का टॉपिक था, इसको अच्छे तरीके से साथ याद कर लीजिएगा, ये डायग्राम इसके अंदर लाजमी बना लीजिएगा. अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़.